हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सुधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और जरूर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा उसके बाद, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से फिल्म होगी। मैं दो फिल्म के बारे में बात करूंगा। एक फिल्म है रईस यानी कि शाहरुख खान की फिल्म, और दूसरी फिल्म है जुड़वा 2। जुड़वा 2 29 तारीख को रिलीज होने वाली है, 29 सितंबर को। अब रहा सवाल ये कि गलियारों में ये खबरें गूंज रही, यानी कि फिल्में गलियारों में, कि क्या जुड़वा 2 रईस फिल्म का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी हाँ, ये खबर है और यही सवाल आपसे भी है, क्या रईस का रिकॉर्ड तोड़ेगी जुड़वा 2 लाइफ टाइम जो कलेक्शन है 139 करोड़ का, यानी कि 139 करोड़ का जो रिकॉर्ड है रईस फिल्म ने जो बनाया है, और इस साल की बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म अभी तक बनी हुई है इस 9वें महीने तक, और ये रिकॉर्ड क्या बीट कर पाएगी वरुण धवन की फिल्म, ये एक सवाल है। सवाल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। पहली बात तो ये सोलो रिलीज है जुड़वा 2, वो इसे फायदा मिलेगा, यानी कि स्क्रीन काउंट अच्छे खासे होंगे। दूसरा एक रीजन अच्छी बात बता दूं कि ये फिल्म का जो सोमवार है उस दिन भी छुट्टी है, यानी कि 29 को रिलीज होगी फ्राइडे है, और फिर सैटरडे, फिर संडे, यानी कि 2 तारीख जो होगी वो गांधी जयंती है, तो उस दिन भी इंडिया में छुट्टी होगी। तो ऐसे में इस फिल्म को 4 दिन का एक वीकेंड मिलेगा, जो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहेगा, और दशहरे के वक्त पे रिलीज हो रही तो उसका भी इस फिल्म को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर कहे तो इस फिल्म को ओवरऑल फायदा हो सकता है अच्छा खासा। ऐसे में ये सवाल को अब आप वापस से पूछ रहा हूँ आपको, अब आपको क्या लगता है, क्या रईस का रिकॉर्ड बीट कर पाएगी वरुण धवन और जैकलिन तापसी की ये फिल्म जुड़वा 2? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। बाय बाय इसलिए कि जुड़वा 2 ना